आखिर इंतजार खत्म हुआ। अयोध्या के अलौकिक अद्भुत और अप्रतिम नव्य दिव्य मंदिर में पूरे विधि विधान से विराजे रामलला। आइए जानते हैं कैसे हैं आपके मेरे और संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक रामलला। 33 कोटि देवी देवताओं की आशीष वर्षा से अभिसिंचित इनका नाम है बालक राम। बोलती हुई आंखों वाले श्याम वर्णी बालक राम का विग्रह बनाने वाले अरुण योगी राज भी धन्य हो गए। इनका मुकुट माणिक पन्ना और हीरों के अलंकरण से बना है, जिसके बीचों बीच सूर्यदेव मुस्कुरा रहे हैं कि मेरे वंश का लोक उद्धारक बालक बड़ा हो रहा है। उनके कानों में मयूर की आकृति का सोने का कुंडल है, जिसमें हीरे माणिक और पन्ना लगे हैं। कंठ में रत्न जड़ित अर्धचंद्र आकार का कंठा सुशोभित है, जिसके बीच में सूर्य देव हैं। एक बड़े माणिक और हीरों से सजी कौस्तुभ मणि वे अपने हृदय में धारण किए हैं। गले में वैजयंती माला में सुदर्शन चक्र, पद्म पुष्प, शंख और कलश जैसे मंगल चिन्ह भी हैं। बालक राम की कमर में स्वर्ण निर्मित रत्न जड़ित 5 घंटियों से युक्त करधनी है, तो दोनों भुजाओं में भुजबंध, हाथों में कंगन और दोनों हाथों की अंगुलियों में अंगूठियां पहने, पैरों में सोने की पैजनिया है जो चलने पर बजती है। उनके बाएं हाथ में सोने का धनुष तो दाहिने हाथ में सोने का बाण है। मस्तक पर हीरे और माणिक से बना रामानंदीय तिलक। 5 साल के बालक राम को खेलने के लिए सामने ही चांदी का झुंझुना, हाथी, घोड़ा, ऊंट और खिलौना गाड़ी है। भगवान के विग्रह के ऊपर स्वर्ण का छत्र लगा है। 22 जनवरी 2024 की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है। अब साकार होगा राम राज्य का सपना और एकात्मता के प्रतीक इस मंदिर से होगा भारत का सांस्कृतिक और आर्थिक उत्थान। हर साल इस दिन को त्योहार के रूप में मनाइए और जलाइए प्रेम व सौहार्द के दिए।